भारत ने सदा से धारणा पे बहुत जोर दिया है। महावीर का सूत्र तो शुरू ही धारणा से होता है और पतंजलि के योग सूत्र में धारणा के दो कदम बाद ही समाधि है। एंड्रू टेट हमें बताते हैं कि प्रति प्रभात जागें एक धारणा के संग। धारणा रखें कि आप सर्वश्रेष्ठ हैं। अब देखिए, स्वाभिमान एवं अहंकार के बीच में थोड़ी सी बारीकी है। अहंकार से बचते हुए धारणा साधें कि जो भी कार्य आप कर रहे हैं, आप उसमें बेहतरीन हैं, आप उसमें कुशल हैं, आप अद्भुत हैं। विशेष तौर पे जिस दिन आपकी परीक्षा हो, आपका इंटरव्यू हो, ये धारणा बांधें। सोचें, धारणा बांधें। पहली बार जब जहाज पे आते हैं बहुत डर लगता है, खास तौर पे जब आप अफसर बनकर आते हैं, कोई भी गड़बड़ हुई आपको जेल हो सकती है, बहुत घबराहट होती है। घबराइए नहीं, धारणा बांधे, आप जहाज चला सकते हैं, हालांकि पहले कभी चलाया नहीं। धारणा बांधे, आप ये कर सकते हैं, आप बेहतरीन नाविक हैं, ये सब आपके बस में है, ये जहाज आपके नियंत्रण में है। इसी प्रकार से पहली बार जब टैटूज करते हैं या पियर्सिंग करते हैं, खून भी नजर आता है, हाथ भी कांपते हैं, दिल भी कपकपाता है, चिंता ना करें, धारणा बांधें, आप बेहतरीन कलाकार हैं, आप विशेषज्ञ हैं इस कार्य में। धारणा रखें, प्रतिपल ये धारणा आपके भीतर हो कि आप सकुशल हैं, आप अद्भुत हैं, आप अलौकिक हैं, आप अतुल्य हैं। फिर वो कोई भी कार्य हो, नेविगेशन कर रहे हो, आप कलाकारी कर रहे हो, आप शादी कर रहे हो, घबराइए नहीं, धारणा बांधें, आप ये कर सकते हैं, आप कमाल हैं।